हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम में आने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो मैंने बहुत दिनों से एनालाइज किया आपके लिए इससे पहले मैंने सेवन पार्ट आपको दिए हैं जो की एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ये मेरा पार्ट एट है तो आज का पार्ट एट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को देखिए रिकॉल कीजिए और हर दिन रिवाइज करते रहिए ताकि ऑप्शन so, so, है स्टेटिक सेकेंड इज डायनेमिक थर्ड इज नॉन वोलेटाइल एंड फोर्थ इज वॉलेटाइल तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दे आर वोलेटाइल ठीक है तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू

तो आपका सही आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द टर्म स्टैंड फॉर ये का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम सेकंड इज फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल थर्ड इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द फोर्थ इज फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन तो इसका सही आंसर होगा एफ टी एफ टीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर सिक्स तो so, पहला ऑप्शन है वायरस, इज़ सेप इज़ इज़ थर्ड लॉजिक बॉम्ब फोर्थ सिक्योरिटी पेज। आपका साइब बोर्ड कहा जाता है सॉरी स्पाई बोर्ड बोलते हैं इसे ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, इसका इसे हम स्पेल करते हैं स्पाई बोर्ड बोल के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज सॉफ्टवेयर को किसमें में कैटेगराइज करा जा सकता है तो पहला ऑप्शन है फिल्मवेयर एंड हार्डवेयर सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फॉर्मवेयर थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड फोर्थ इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर एट विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर पहला ऑप्शन है डीपीआई सेकंड इज सीपीएम थर्ड इज पीपीएम एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर होगा पीपीएम प्रिंटर का जो स्पीड है हम उसे पीपीएम में मेजर करते हैं और इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पेजेस पर मिनट आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको देता हूं तो ये होगा आपका पेजेस पर मिनट तो स्पीड से रिलेटेड है तो हमेशा आपका पर यूनिट टाइम में ही आएगा तो आपका पेजेस पर मिनट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द ब्रांच लॉजिक दैट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन द कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड पहला ऑप्शन है कंडीशनल ट्रांसफर सेकेंड इजकंडिशनल इसका सही आंसर होगा आपका अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑप्शन नंबर बी इज येक्ट एंसर टेन विच ऑफ द फॉलिंग बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस तो कौन सा बस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पहला ऑप्शन है सिंगल बस सेकंड इज मल्टीपल बस थर्ड इज स्टार बस एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव तो इसे हम सिंगल बस कहते हैं पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट टू पैकेट्स ऑन द मीडियम एट ए टाइम ठीक है तो पहला ऑप्शन होगा कोलिजन सेकंड इज सिंक्रोनस थर्ड इज एसिंक्रोनस एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव तो आपको पता चल ही रहा होगा एक टाइम में दो चीज का काम हो रहा है आपका इधर टू पैकेट मीडियम क्या हो रहा है इधर आपका दो पैकेट मीडियम का काम हो रहा है एक समय में तो एक समय में कोई भी चीज होता है तो वो क्या करता है आपका कोलाइट करता है और कॉलाइट को ही हम कोलिजन कहते हैं तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसे इस तरीके से आप मेमोरी में अपने रख सकते हैं इसे कि कोलाइट जब दो चीज एक समय में होता है तो कोलाइट होता है उसे ही कोलिजन कहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका

इसमें से अवेलेबल नहीं होता है तो पहला ऑप्शन है आपका नॉर्मल सेकेंड इज रेस्ट थर्ड इज लोअर्ड एंडर तो आपका सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेज अप की पेज अप की काम क्या है तो पहला ऑप्शन है मूव्स द वन लाइन अप मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप मूव्स द वन पेज वन पैराग्राफ अप तो तो इसका सही आंसर होगा आपका moves the cursor one screen up. ये एक स्क्रीन को मूव करता है है तो है है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ठीक आज का हमारा लास्ट इसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको दे दिया है तो कंट्रोल का एफ का काम क्या है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टेब ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग लेआउट टेब ओपन फोन डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फोन टेब

कंट्रोल पी का काम इसमें क्या होता है प्रिंट करना कंट्रोल पी का काम है तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आपने अगर अभी तक मेरा जीके प्लस जीएस का वीडियो नहीं देखा जो भी मेरे चैनल पे है जाके उसे जरूर देखिए जीके प्लस जीएस के वीडियो को वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी पार्ट है सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बाकी जितना भी मैथ्स का मेरा शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो है उसे भी जाके देखिए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिले और नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए टाइम का भी थोड़ा प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीक से आपके लिए मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स वापस से वो सीरीज चालू करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और कंप्यूटर का तो आपको सेवन पार्ट मिस करना ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर ही इस सब्जेक्ट का पूरा का पूरा जान है ऑयल इंडिया में जो भी पूछा जाएगा सिक्सटी मार्क्स कंप्यूटर से पूछा जाएगा तो मैंने आप आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस कंप्यूटर में रखे हैं जो मेरा सेवन पार्ट खत्म हो चुका है और आज का पार्ट है आपको सब बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको जाके जरूर देखिए और अपना रेस्पॉन्स अच्छा बनाए रखिए मेरे चैनल में आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक like सब्सक्राइब नहीं किया लाइक like और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू वेरी मच गाइस